अगर कुछ जीवन में आप पाना चाहते हैं तो दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दें। आपने हर बार 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 ये सुना है कि दूसरों के बारे में फिक्र ना करें, लेकिन ये प्रैक्टिस में हम इसको कैसे ला सकते हैं? क्या चीज़ें करें कि दूसरे के बारे में इतना ध्यान हमारा जाए ही ना? सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपका जो लक्ष्य है, जो आपको करना है, उसके ऊपर आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाएं। लेकिन हम एक सोशल इंसान हैं, पूरी तरह से लाइफ से नहीं कट सकते हैं, लोगों से नहीं कट सकते हैं, और कुछ ना कुछ उनके ऊपर भी ध्यान हमारा जाता ही जाता है, चाहे हमारे घर वाले हो, हमारा परिवार हो, आस पड़ोस के लोग हों। लेकिन आपको ये प्रायोरिटाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस वक्त में आपकी ज़रूरत क्या है। आपकी जो समय की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, उसको ऐसे ही आप वेस्ट ना करें। अगर हम समय की बिल्कुल इसी तरह से धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे तो एक दिन समय ही हमें खुद उठ करके लात मारेगा। तो आप समय की कीमत को समझें, उसकी वैल्यू को समझें, और फालतू में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और आपको प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है कि कौन सा काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस काम को क्या टाला जा सकता है। अगर ये इमरजेंसी है तो आपको तुरंत से जाना चाहिए, या कोई अर्जेंसी है तो उस टाइम पे आपको प्रॉम्प्ट होकर के जो आपके सामने है उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर ये प्रायोरिटाइज आपने कर लिया कि इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, मैं अपने काम के ऊपर पहले फोकस करूँगा या करूँगी, तो आपकी वैल्यू उस टाइम से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी कि आपको दूसरों के बारे में सोचने का उस टाइम पर ध्यान नहीं आएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि दूसरों के बारे में हम तब सोचते हैं बहुत ज़्यादा कि जब हमें कोई कमेंट पास कर देता है, ऐसे नेगेटिव कमेंट कि तुम ये जो काम कर रही हो ना, इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकती हो या कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये लॉन्ग टर्म पे ये सही नहीं है। तो आप उनकी बातों को समझें, सुने, आप इनको जानने की कोशिश करें कि क्या वो सही बोल रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से उनके ऊपर भरोसा ना करें। ऐसा नहीं है, क्योंकि 100 में से 90% जो ऐसे लोग होते हैं वो आपको रियल मायने में सुखी नहीं देख सकते हैं। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से आप बिल्कुल डाउन हो जाइए। तो आप उनकी बातें सुने, समझें, और आप इनके प्रोज एंड कॉन्स को भी जाने, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी भी भटके ना, क्योंकि लोग जो होते हैं ना आपको डीमोटिवेट करने की कोशिशें ज़्यादा करते हैं। तो आप उनकी बात को सुने, समझे, और जब वो निगेटिव कमेंट देते हैं तो आपको पता चल गया है कि कौन सा इंसान आपको हमेशा निगेटिव कमेंट देगा ही देगा, आप उनकी बात को सुनकर के नज़रअंदाज करें। कोई ऐसा पर्सन जिसे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिन्होंने आपको बहुत बड़ी बात बोल दी है, तो आप उनकी बात को सुने, समझे, लेकिन अगर वो लगातार बार 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 ग्रेजुअली आपको समझ में आ रहा है कि वो इंसान आपका टांग खींच रहा है, वो आपको इंसान कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो आप उनकी एक बात को सुनकर के दूसरे कान से आप निकालना स्टार्ट कर दें। तीसरी चीज़ क्या होती है कि बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं करना है कि आपको ऐसी कोई फैंसी दुनिया में जीना है कि जो आप रियलिटी आप बिल्कुल भी देख ना पाइए। मतलब दूसरों के बारे में आप ध्यान देने के बजाय क्या होता है कि अपने घर वालों का ही ध्यान नहीं देते हैं, जो कि आपको रियल मायने में सही बातें समझा रहे होते हैं। हम ऐसे यूट्यूबर का या ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में सपने देखने लगते हैं कि वाह, इनका घर कितना सुंदर है, इनकी बहुत अच्छी सी गाड़ी आ गई है, बहुत अच्छे नेकलेसेस आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर साड़ियों का कलेक्शन हो रहा है, लेकिन रियलिटी आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि उनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, कहाँ से उठ करके वो वहाँ तक गए हैं। तो किसी के जो एक रिजल्ट को आप अपने जो स्टार्टिंग के लेवल से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। आपको ऐसा लगता है कि आपने पहला या दूसरा कदम स्टार्ट किया है, लेकिन वो उनका मे बी 90th कदम हो, मे बी उनका 100th कदम हो, मतलब 100वें कदम पे हो, तो आप उनके 100 कदम पे अपने आप को फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होइएगा। और जब इंसान डीमोटिवेट होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि नहीं, उनको तो इतनी सक्सेस मिल गई, हमें क्यों नहीं मिल रही है, तो वो हमने कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रखी है, या फिर हमारे स्टार्टिंग टाइम है और आपको ग्रो होने में समय लगेगा। चाहे आपके यूट्यूब का चैनल क्यों ना हो, चाहे आपका कोई बिजनेस क्यों ना हो, आपने कोई स्टार्टअप खड़ा किया हो, आपको वो इंसान से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है जिन्होंने ऑलरेडी इसमें 10 साल 12 साल 20 साल लगाए हैं, उससे आप बिल्कुल भी कंपेयर अपने आप को ना करें। चौथी चीज़ क्या होती है, बहुत बड़ी मिस्टेक ये भी होती है कि जो लोग होते हैं आस पड़ोस के एरियाज़ में देखते हैं, सुनते हैं, बातों को समझते हैं, लेकिन चीज़ों की ग्रेविटी नहीं समझ पाते हैं इस बात को लेके कि उनको लगता है कि छोटी छोटी सी बातें उनको बहुत ज़्यादा दिल पे हर्ट हो जाती हैं। तो आपको कुछ इग्नोरेंस भी रखना है, लोगों की बातें बिल्कुल इग्नोर करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको निगेटिव कमेंट भी बोल दिया या कुछ ऐसी बातें बोल दिया जो कि आपके पर्सनैलिटी के बिल्कुल विरुद्ध है, आपको लगता है कि आप तो बिल्कुल मजाक करते रहते हो, आपकी आदतें अच्छी नहीं हैं, किसी ने आपको ये सारी चीज़ें बोल दी, आप उनकी बातें सुन करके निकालिए, क्योंकि वो चीज़ें आपके जीवन का एक बहुत बड़ा रोड़ा हो सकती है। तो आपको ये सब चीज़ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, अपने काम के ऊपर फोकस करें। और फोकस आपको कैसे करना है उसके बारे में भी मैं वीडियोज़ बना दूंगी कि किस तरह से आप अपने कामों में फोकस कर सकते हैं, अपनी स्किल को कैसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन निरंतरता बना करके रखनी ज़रूरी है। अगर आपने एक दिन काम किया, दूसरे दिन आराम किया, तीसरे दिन भी आराम कर लिया, तो वैसे नहीं चलता है। आपको डेली के डेली मेहनत करने की आवश्यकता है। किसी की बातें सुने, जो आपके बड़े लोग हैं, जो आपके फील्ड के बहुत ही महारत लोग हैं, उनकी बातें सुने, माइन्यूटली समझें, लेकिन उनसे खुद को कंपेयर करने की भूल बिल्कुल ना करें।
जब हम कंपेयर करते हैं हमें बहुत दुख लगता है। और पांचवी गलती क्या होती है, हमें लगता है कि हम एक बहुत ही स्टैग्नेंट जगह पे हैं, हमारा कोई भी विकास नहीं हो रहा है, हमारी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। धीरे धीरे आपको पता ही नहीं होता है कि आपने कितनी इम्प्रूवमेंट कर ली है। तो अपने आप को धीरे धीरे कुछ ना कुछ आपको सीखना है, स्किल को अपने एक्वायर करना है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रही हैं, आपको कोई भी चीज़ है, आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करना है। लेकिन अगर आप किसी बड़े इंसान के साथ कंपेयर करिएगा तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल एकदम समान लगेगी, बिल्कुल स्टैग्नेंट लगेगी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अगर 2 महीने बाद 3 महीने बाद अपने आप को बैक देखते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ें तो बिल्कुल बेसिक लेवल थी और उससे मैं बहुत एडवांस लेवल पे आ चुकी हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। आपकी जो लाइफ है स्टैग्नेंट या ठहरी हुई सी नहीं लगेगी। आपकी जो लाइफ आपको लगता है कि ठहरी हुई है, लेकिन ये ठहरी हुई नहीं है, ये निरंतरता के साथ चलती ही रहती है। तो अपने लाइफ को आपको अपग्रेड करना है। लाइफ चलती रहेगी लेकिन आपकी लाइफ को भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है। जिस तरह से एक फ़ोन को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से अपनी लाइफ को अपग्रेड करें। दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा ध्यान न दें, अपने लक्ष्य के ऊपर बिल्कुल फोकस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस बाय वर्ल्ड केयर।